हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 12 अप्रैल 2019 है और आज जो शेयर लेके आया था टाटा ग्लोबल ब्रिवरीज लिमिटेड पे लेके आया था, जो कि टी एंड कॉफ़ी में काम करती है। इसका जो मेन बिजनेस है टी एंड कॉफ़ी का, और आज देखेंगे तो ये 12 अप्रैल को 215 पे क्लोजिंग दिया है, 0.55 रुपीज़ का गेन देख करके। लो 213 का था, 217 का हाई बनाया और प्रॉपर फिर कहीं ना कहीं 215 की ओर क्लोजिंग दिया। वॉल्यूम देखेंगे तो 20,75,000 का हो रहा था, 26,20,000 का हो रहा है, ऐसे एवरेज वॉल्यूम हो रहा है। और लो है इसका 177, हाई है 300। सेंटीमेंट 71% बाइंग का है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज की ओर जाकर देखें तो 215-20 की जगह 215-15 मीन्स थोड़ा सा निगेटिव शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। अगर इसका पी देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.69 है, P30 है, थोड़ा सा कॉस्टली है इंडस्ट्री से। और डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 33-35% है, ये एक अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज मानी जाती है डिलीवरी के लिए। कोई ना कोई इसमें धीरे धीरे करके बाइंग कर रहा है और बाइंग पोजीशन बना रहा है। अगर इसमें शेयर होल्डर परसेंटेज देखें तो प्रमोटर का 34% है और FI ने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया है अपना परसेंटेज को। एक थोड़ा सा निगेटिव आप कह सकते हैं कि इसने 3.99% प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखा है। रिटर्न की बात करें तो 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। 6 मंथ YTD और 1 ईयर थोड़ा सा निगेटिव है, पर 2 साल में 42% का गेन आपको देखने को मिलेगा। 2 साल एवं सब में आपको 10 साल में आपको 261%, 5 साल में 39% का गेन देखने को मिलेगा। टाटा ग्लोबल ब्रिवरीज इट्स सब्सिडियरी टुगेदर रेफर टू एज अ ग्रुप एंड द ग्रुप एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स आर एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी कॉफी एंड वाटर। The group has branded beverage business operation mainly in India. A tea, coffee और water में काम करती है। Business जो है India, Europe, US, Canada, Australia, plantation business in India and extraction business in India and US. ये सारे इसके business profile है। और अगर बात करें current price तो 215 है, आपको बताया जो यहाँ पे आपको देखा भी आपने, यहाँ पे current price 215 रुपये है। और इसका sales growth थोड़ा सा negative है, -5% है। डिविडेंड 1.1% डिविडेंड देता है। डेप्ट 1,000 करोड़ का है लेकिन 15 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। प्राइस टू कैश फ्लो भी थोड़ा कॉस्टली दिखता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 757 करोड़ का है। प्राइस टू कैश बुक वैल्यू जो है 1.8 है, पर ये बहुत ही सस्ता है। और मार्केट कैप भी 1.90, ये भी बहुत सस्ता है। तो अगर इसके एक बार डेप्थ में जाने प्रोज एंड कॉन्स में, द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर ग्रोथ। प्रमोटर होल्डिंग इज 34% है। कंपनी इज लो रिटर्न ऑफ इक्विटी 4%। ये इसके जो तीन है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो है, सेल्स ग्रोथ निगेटिव है, और कहीं प्रमोटर्स जो होल्डिंग है, जो प्रमोटर्स होल्डिंग है हम देखेंगे 34%, ये एक थोड़ा सा इसका कॉन्स मान सकते हैं, निगेटिवनेस में मान सकते हैं आप इसको। और अगर मैं इसको NSE पे इसके ट्रेडिंग की बात करूं तो आप देखेंगे जहां ये 19 लाख 15 लाख 28 लाख ये सब ट्रेडिंग हो रहा है, या बहुत दिनों से ये ट्रेडिंग हो रहा है, बीच में 23 लाख 20 लाख 27 लाख का होने लगा था, अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसमें वीकनेस दिख रही है। और डिलीवरी परसेंटेज में अगर तो 45% की डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी परसेंटेज में कोई कमी नहीं है। लास्ट आप देखेंगे, लास्ट यही से आप देख लीजिए 27 मार्च से ऑनवर्ड्स ये अच्छी खासी ट्रेडिंग, 35% डिलीवरी जा रहा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक सुगाहट है। लेकिन 214-215 रुपये पर आप देखेंगे फिनोशियल रिट्रेसमेंट से रिट्रेस ले रहा है, और यही एक्चुअल में हो रहा है। लेकिन फिनोशियल रिट्रेसमेंट जहाँ 214 पे आपको देखिए, उससे पहले एक देखिए एक लाइन यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं एक बार फिनोशियल रिट्रेसमेंट को इसको आप देख ली, इसको रहने दी, अब ये लाइन देखिए, ये बड़ी वाली रेड वाली लाइन देखिए, तो जहाँ ये आप देखेंगे 5 फरवरी 2018 से ये निगेटिव फॉल अप दिखा रहा था, कंटिन्यू एक फॉल दिखा रहा था, अब यहाँ से देखेंगे तो अपवर्ड सिनेरियो ले रहा है। यहाँ लोअर लो बना रहा था हर बार, यहाँ अपर लो बना रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अपवर्ड सिनेरियो है। लॉन्ग टर्म के लिए 200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है तो 205-207 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें रख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको 236-254 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें डेली बेसिस पे, तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज जो 20 दिन का है, 21 दिन का है,
ये ऊपर की ओर क्रॉस करते हुए 50 डेज का क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, गया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं आपको इसको जो रेसिस्टेंस है 217.50 रुपया यहीं टच करके ये वापस देखिए तो आज के डेट में यहाँ से आपको नीचे की ओर लिया है। इसकी RSI बोले तो 65% है, RSI है तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। और MACD लाइन भी एक बार इसको चेक कर ले यहाँ पे, तो MACD लाइन में भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से MACD लाइन ऊपर की ओर ही गई है, यहाँ से क्रॉस करके ऊपर की ओर गए, थोड़ा सा नीचे दिखाया है बट फिर ऊपर ले रहा है। तो MACD लाइन भी जो बता रही है पॉजिटिव ही सिग्नल बता रही है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा निगेटिव या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको चाहें तो ये 203 रुपये का जो है 203 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो जब तक ये 190 जो इसका है आपका यहाँ पे 179 है इसका, तो 179 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसका, तो 179 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बैठे रह सकते हैं। और 179 या 177 जो 52 व्हीकल हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपको अच्छा खासा व्यू दिखाएगा। तो जैसे बोला आपको 207, यहाँ पे भी 207 ट्रेंड दिख रहा है, 207 और सेकंड है 194, तो ये आप दो स्टॉप लॉस लगा करके इसमें आगे 223, और यहाँ पे एक गैप डाउन है, यहाँ पे जो एक गैप डाउन फॉलो किया था, तो अगर यहाँ क्रॉस करता है तो फिर 254 की ओर आपको जाते हुए दिखेगा, जो कि यहाँ पे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दिख रहा है कि 236 के आसपास यहाँ पे, वहाँ पे 240 है, और ये क्रॉस करता है तो वहाँ पे 245 या 254 की ओर, मतलब कहीं ना कहीं अगर 254 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। और मैं एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से अगर डिलीट रिमूव करूँ तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये रेड वाली जो लाइन है देखिए गिरते हुए थी, और अब जो लाइन बन रही है वो ऊपर की ओर बन रही है, तो जब तक ये नीचे नहीं गिरती है तब तक आपको ऊपर की ओर एक पोजिशन आप बना सकते हैं, ऊपर की ओर आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड इसमें है और चालू है, और हो सकता है कि आपको 254 तक के टारगेट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मेरा कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन इस पे नहीं है, अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें, फ्री सेल करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 254 के टारगेट के लिए आप इसमें बाइंग व्यू बना के रख सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बाय भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।